अब हम चलते हैं क्लास टेंथ के एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके क्वेश्चन कुछ हम करते हैं। सबसे पहला विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम तीन क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर वज्रगुणन विधि। और इसमें पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स और अदर अदर जो भी क्वेश्चन होगा वो हम करवाएंगे क्लास टेंथ का। अभी हम चलते हैं सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक पहला विधि विलोपन विधि से एक क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। हम सबसे पहले इसको हम समीकरण एक मानेंगे, नीचे वाले को समीकरण दो मानेंगे। विलोपन विधि में विलोपन मतलब होता है विलुप्त कर देना, हटा देना। या तो हम x को हटा सकते हैं या तो हम y को हटा सकते हैं, दोनों में से कोई किसी को भी हम इस इक्वेशन से हटाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों इक्वेशन में अगर हम x को हटाना चाहते हैं तो हम इसमें x दोनों बराबर करना है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ 2x है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 और 2 दोनों बराबर हो जाएगा, तब हम इसको x को विलोपन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड वाला इक्वेशन में क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसमें करेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब क्या हुआ, दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है लेकिन दोनों का चिन्ह समान है, यानी ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब होता है जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा। अब यहां प्लस है इसको कर देंगे माइनस, इस पूरे इक्वेशन का चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने का मतलब इस पूरे इक्वेशन में चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, इसलिए ये कट जाएगा। और ये देखते हैं अब ये प्लस चिन्ह जो है ये खत्म हो गया, ये किसके साथ आ गया, माइनस चिन्ह, माइनस 5y हुआ। तो माइनस 5y में से 2 घट जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 3y हो जाएगा। अब माइनस 12 में से 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसीलिए इसके y के बगल में जो ये माइनस 3 में गुणांक में है इधर हम लाएंगे तो भागा में हो जाएगा y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 3। ये देखते हैं माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी कि y का मान आ गया 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब जो ये y का मान 2 आया है हम क्या करते हैं, समीकरण एक में रख के x का मान निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर, हम रखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में y के जगह यहां पे रखेंगे, यानी कि x प्लस y के जगह 2 रख दिए तो 2 बराबर 3। हम ये 2 को इस साइड लाएंगे, बराबर के जब इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह, अगर ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2 तो x बराबर 1, और यही मान आ जाता है। इस समीकरण को हल करके हम x और y का मान निकालें। अगर हमको चेक करना है कि x और y का मान सही है या गलत है, इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों में जो मान आया है सब x बराबर 1 और y बराबर 1, हम यहां समीकरण 1 में रख देंगे, देखेंगे LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। अगर LHS बराबर RHS हो गया तब इसका मतलब है कि जो मान मेरा आया हुआ है x बराबर और y बराबर वो बिल्कुल सही है। समीकरण 1 में x के जगह हम 1 रखते हैं, y के जगह 2 रखते हैं, 2 1 3 दोनों बराबर आ गया। नीचे वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, x के जगह 1 रखेंगे तो 2 गुना ये जो है 2 into x, इसका मतलब होता है 2
मल्टीप्लाई एक्स है, इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ टू इंटू एक्स, एक्स का जगह एक्स के जगह एक है तो दो गुना एक दो हो गया, पांच है पांच गुना दो पांच दूनी दस, दस दो बारह, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस दोनों इक्वेशन को सही आ गया। इसका मतलब जो मान आया है ये दोनों मान बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन से, किसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को विलोपन विधि से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 8। हम इसी प्रकार से इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। हम किसी को बराबर कर सकते हैं, या तो x को बराबर कर सकते हैं या तो y को बराबर कर सकते हैं। यहां सबसे पहले पहले वाला क्वेश्चन में हम x को बराबर किए थे, अभी इस वाले क्वेश्चन में हम y को बराबर करके देखते हैं होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, यहां दो है यहां तीन है, दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम यहां इस वाले इक्वेशन पूरे इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले पूरे इक्वेशन में तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं ये हो जाएगा दो दूनी चार एक्स प्लस तीन दूनी छ वाई बराबर दो दूनी चार, ये हो जाएगा तीन गुना, यहां नहीं एक छुपा हुआ रहता है, यहां एक छुपा, तीन गुना एक तीन एक्स माइनस तीन दूना छ वाई आठ दिया चौबीस। अब यहां देखते हैं, अब y दोनों तो बराबर हो गया, हाँ जो चीज हम जोड़ने के लिए यहाँ विपरीत चिन्ह होना चाहिए, पहले वाला इक्वेशन में क्या था विपरीत चिन्ह नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह को बदले थे, यहाँ विपरीत चिन्ह है इसलिए यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये खुद बाय खुद कट गया, ये छ और छ कट गया, तो चार तीन सात एक्स बराबर ये कितना हो गया चौबीस और चार जोड़ेंगे तो अट्ठाईस, इसीलिए x बराबर 28 बटे 7, 7 चौके 28, x का मान आ गया 4, x का मान आ गया 4। अब हम किसी समीकरण एक में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में x का मान रखने पर, हम समीकरण एक में रखते हैं x की जगह रखेंगे तो 2 गुना एक्स है तो गुना एक्स के जगह चार रखते हैं तो चार प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, इसको गुना कर दो चार दूनी आठ प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू। अब ये आठ को हम ये राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा थ्री वाई दो, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस आठ, ये हो जाएगा थ्री y इक्वल टू माइनस सिक्स, इसीलिए अब जो y के गुणांक में है माइनस सिक्स बटे थ्री तीन दूनी छ, यहां आ गया क्या आ गया y बराबर माइनस दो, यही मान निकालना है विलोपन विधि से, ये दोनों मान आ गया है, x बराबर क्या आया है चार और y बराबर क्या आया है माइनस दो आया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन फिर इसमें सॉल्व करते हैं इसी विधि के द्वारा कि सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण एक और समीकरण दो। अब हम ये दोनों इक्वेशन में किसी को भी बराबर कर सकते हैं, x को भी बराबर कर सकते हैं y को भी बराबर कर सकते हैं। हम पहले वाले इक्वेशन में दोनों में x को बराबर किए थे, पहले वाले इक्वेशन में हम x को बराबर किए और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या हुआ था हम y को बराबर किए। अब तीसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कम से कम ये सोचना है कि किस टाइप से हम बनाएंगे x और y का मान जिससे कि कम से कम हमको सॉल्व करना पड़े और आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में हमको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, x में भी x को और y को बराबर करना है, इसमें देखते हैं x में दो से मल्टीप्लाई करना, इस वाले x में तीन से मल्टीप्लाई करना, तब इसमें भी तीन से दो से, लेकिन एक इक्वेशन में क्या बढ़ जाएगा अगर हम x वाले को करते हैं बराबर तो चिन्ह बदलना पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम y वाले को बराबर करते हैं y वाला सेम गुना गुना तो दोनों में बराबर ही करना पड़ेगा, लेकिन y वाला में एक चीज बच जाएगा क्या, दोनों का चिन्ह विपरीत है तो हमको चिन्ह इक्वेशन में नहीं बदलना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले y वाले को ही बराबर करते हैं। तो y वाला में क्या हुआ क्या है कि हम y वाले को ही बराबर करने के लिए इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तीन से किए तो 9x प्लस
6y = 12, इसमें करते हैं 4x - 6y = 14। ये हो गया। अब देखो ये दोनों का विपरीत चिन्ह है, चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये दोनों कट गया। ये कितना हो गया, 9 4 13x = इन दोनों को जोड़ेंगे 14, यहाँ है 12 है, 14 12 26 हो गया। अब जो गुणांक में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसीलिए x = 26/13, 13 × 26 यानी कि x = 2 आ गया। अब जो x का मान आया है समीकरण एक या समीकरण दो में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं, यहां हो जाएगा 3 × 2 + 2y = 4, ये हो गया 6 6 है 6 + 2y = 4, यहां हो जाएगा 6 को इधर लेके जाएंगे 2y = 4 माइनस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया 2y = -2, इसीलिए y = जो यहाँ गुणांक में रहता है लास्ट में हम भागा में ले आएंगे -2/2, 2 से 2 कट गया 1, तो यानी कि मतलब क्या आ गया y = -1 आ गया, y = -1। यहाँ क्या आया था x = 2 y = -1, ये 3 क्वेश्चन था जो कि हम विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देखे हैं। इसी प्रकार से हम अगले क्लास में देखेंगे क्या जो रूट वाला क्वेश्चन होता है, वर्गमूल वाला, रूट वाला, 3-4 क्वेश्चन रूट वाला देखेंगे, फिर हम इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और वज्र गुणन से देखेंगे। हम पूरे इस मैथ का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम कंप्लीट यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट है इसको इसका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू।